300 लोगों की जान चली गई। दरअसल उड़ीसा में भीषण ट्रेन हादसे में लगभग 300 लोगों की जान चली गई और कहा जा रहा है कि 900 लोग घायल है, जिसको देखते हुए बंगाल सरकार ने कंट्रोल रूम खोला है। लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ रांची के रेलवे स्टेशन में और यहाँ पर पता करने के लिए पहुंचे हैं कि आखिर यहाँ पर हेल्प डेस्क बनाया गया है या फिर नहीं। लेकिन ये तस्वीर के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि रांची रेलवे स्टेशन में हेल्प डेस्क बनाया गया है और इसी तरीके से हटिया रेलवे स्टेशन में हेल्प डेस्क बनाया गया है, ताकि जो लोगों को कोई भी क्वायरी करनी है वो इस नंबर पर कॉल कर सके। इस वक्त हमारे साथ रेलवे के अधिकारी भी मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे कि आखिर अब तक कितने कॉल आए हैं और क्या कुछ उधर से कहा जा रहा है। ये बताइएगा अब तक कितने कॉल आए हैं और ये हेल्प डेस्क क्यों बनाया गया? रिगार्डिंग एक्सीडेंट वन कॉल आई हैव रिसीव्ड, वन कॉल ओनली। क्या कुछ बोला गया? बस पूछ रहा गाड़ी कैसा है, कैसे क्या एक्सीडेंट हुआ, तो क्या एक्सीडेंट का रीजन से नहीं बता पाएंगे। एक्सीडेंट इज एक्सीडेंट, एक्सीडेंट नो डेफिनेशन, बस वन कॉल वी हैव रिसीव्ड। रूट बदलाव के लिए भी कोई कॉल आए हैं? नहीं, नो नो कॉल। अच्छा, ये जो आपने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, इससे क्या कुछ मैसेज देना चाह रहे? जैसे मैसेज तो लेना है जिसको सफर कर रहा है, जिसके किसी का रिलेटिव, तो वो लोग तो क्वाइटी करेगा, तो हमारा हर जगह पे खुला है, जैसे रांची में खुला है, हर स्टेशन मेंशन है, अलग अलग जगह, अलग 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 जोन, अलग अलग एरिया। थोड़ा सा आप बता दीजिए ताकि हम ही बता देते। देखिए, रांची, बेंगलोर, बंगरपेट, कुप्पम, SMBP, KJM, हावड़ा, KGP और बलासोर, तमाम जगहों के लिए यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। इनका कहना है कि एक लोगों से यहाँ पर फिलहाल कॉल आया है और तमाम चीज़ों की जानकारी फिलहाल उन्होंने ली है। और भी रूट मैप में या फिर ट्रेनों में क्या कुछ बदलाव किया गया, क्या ऐसा कुछ बदलाव किया गया, लगातार आप इंक्वायरी कर रहे हैं? हमारे यहाँ से अभी रांची मंडल से, खास करके रांची और हटिया स्टेशन से, ऐसी कोई ट्रेन ऐसी नहीं है जिनके कोई मार्ग में परिवर्तन है। सभी ट्रेनियों की जो नियमित मार्ग है उसी से चल रही है और उसी से आ रही है। कुछ विलंब से आ रही है तो वो तो खैर नियमित बात होती है, आना और जाना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि गाड़ी में परिवर्तन किया गया, किसी के मार्ग में परिवर्तन किया गया। हाँ, लोगों को इस तरह की संशय स्थिति बन रही है कि जैसे किसी को दक्षिण क्षेत्र जाना है, तो चूँकि वो गाड़ी जहाँ जा रही थी वो दक्षिणी क्षेत्र में जा रही थी, चेन्नई जा रही है, तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि वो ट्रेन में उस तरफ में जाने से वो बाधा है कि नहीं। जैसे आज हमारे यहाँ शाम में बेंगलोर के लिए गाड़ी खुलने वाली है, LAP गाड़ी है जो बहुत हमारे यहाँ की बहुत ही भीड़ भाड़ वाली गाड़ी होती है, तो लोगों की में ये शंका रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गाड़ी नहीं है, मतलब सभी बदलाव नहीं किया गया, ऐसा नहीं है कि रूट परिवर्तित है या किसी और बदल के मार्ग जा रही है। जो नियमित मार्ग से गाड़ी में जो भी उसकी रूट है उसी में, उसी ढंग से, उसी स्वरूप में जाएगी गाड़ी। अभी आपने सुना कि मार्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है, साथ ही साथ यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। कई यात्रियों से हम बात करेंगे क्योंकि भीषण ट्रेन हादसा हुआ और ऐसे में उनके मन में क्या कुछ सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि लगातार कई लोग जो है वो ट्रेन में यात्रा करते हैं और ऐसे में उनके मन में क्या सवाल है, क्या नहीं है, क्या अब ट्रेन में सफर करने में उन्हें डर महसूस हो रहा है, चूंकि भीषण ट्रेन हादसा हुआ है, 300 लोगों की जान चली गई है। तो कई लोगों से बात करेंगे यहाँ पर, जानेंगे कि आखिर उनके मन में क्या सवाल उठ रहे हैं। यहाँ पर कई यात्री मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डर लग रहा है जो ट्रेन हादसा हुआ है उड़ीसा में, सफर करने में डर लग रहा है? नहीं, आपको क्या है के लिए डर रहा लगेगा? नहीं लग रहा है डर? तो आपने देखा कि यात्रियों का कहना है कि डर क्यों लगेगा, और लगातार तमाम जो यात्री है वो रांची रेलवे स्टेशन में पहुंच रहे हैं और यहां से जहां उन्हें जाना है वहां जा रहे हैं। कई महिलाएं भी, उनसे भी बात करते हैं कि उड़ीसा में जो ट्रेन हादसा हुआ है, डर लग रहा है क्या मन में? नहीं, डर लग रहा है क्या मन में जो उड़ीसा में ट्रेन हादसा हुआ है? नहीं लग रहा है। कहां जा रहे हैं? लोहरदगा। क्या कुछ टाइमिंग? शादी है। डर लग रहा है क्या? नहीं ना, उड़ीसा में क्या हुआ है? हादसा हुआ है। मैं सुने हैं। तो आप देख सकते हैं कि कई जो यात्री है वो सुने भी नहीं है कि उड़ीसा में ट्रेन हादसा हुआ है। कई लोगों से बातचीत किए, उनका कहना है कि डर क्यों लगेगा, हम अपने घर जा रहे। कई लोगों का कहना है कि हम शादी के लिए यहाँ से सीधा लोहरदगा जा रहे हैं। यहाँ पर आपने देखा कि हेल्प डेस्क भी बनाया गया है, हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। कई जो लोग हैं उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि हमें तो पता भी नहीं है कि उड़ीसा में कोई ट्रेन हादसा हुआ है। तार इसी तरीके से हम आपको तस्वीर दिखाते रहेंगे। फिलहाल मुझे दे इजाजत, सहयोगी विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची।